हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। मैं संतोष कुमार आपको अगले लेक्चर अल्किन कर्नोमेल के साथ आज पढ़ाएंगे आपको। चलिए देखते हैं अल्किन कर्नोमेल के लेक्चर। अल्किन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्किन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आप लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनसेचुरेटेड मीन्स होता है कि उसमें या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहां अल्किन है तो कार्बन कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट वन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। हम लोग जानते हैं जैसे कि अल्किन का जो एक और नाम है ओलिफिन्स भी कहा जाता है इसको, और अल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n, और इसका जो प्राइमरी सफिक्स है PS, प्राइमरी सफिक्स, वो होता है ENe। आप जानते हैं हम लोग कि अल्केन और अल्किन, अल्केन और अल्किन, अल्केन का जो जनरल होता है CN2N+2, और अल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यानी अल्केन के जनरल फॉर्मूला से अगर दो हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो अल्किन बन जाएगा। यहां से अगर दो हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, कैसे माइनस करेंगे? CnH2N+2-2, तो 2-2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? CnH2n, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा ऑलरेडी। कैसे? देखिए, जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं अल्केन का एक मेंबर लेते हैं जिसका नाम है इथेन, इथेन। अब इथेन से हम दो हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से माइनस कर दिए और एक यहां से, दो माइनस। अब जैसे ही दो माइनस करेंगे तो इस कार्बन का वैलेंसी 1, 2, 3 हो जाएगा, इसका भी 2, 3 हो जाएगा। तो क्या करेगा दोनों कार्बन, अगर इसका वैलेंसी पूरा करना है तो एक डबल बॉन्ड देना पड़ेगा कार्बन कार्बन के बीच में। इसका नाम हो गया इथीन, इथ दो कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ईएनई। तो अल्केन अल्किन का जनरल फॉर्मूला में दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, अल्किन में दो हाइड्रोजन कम होता है, इसमें दो हाइड्रोजन ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब अल्किन का कॉमन और यूपीक नेम हम कैसे लिखेंगे, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम लिखने का रूल है जितना कार्बन होगा कंपाउंड में प्रेजेंट उसके अनुसार से रूट वर्ड लेंगे, और रूट वर्ड के साथ वाई एल ई एन ई आपको ऐड करना है, तो कॉमन नेम लिख सकते हैं आप। इसका यूपीक नेम कैसे लिखेंगे? आई एन मतलब आई यू पी सी, आई यू पी ए सी नेम, ये हो गया कॉमन नेम। हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं इसको आई एन सी एन। इसमें क्या है, जितना कार्बन होगा उसके अनुसार से रूट वर्ड ले लेंगे, और रूट वर्ड में इसका प्राइमरी सफिक्स जैसा कि हम लोग लिखे अभी ई एन ई आपको ऐड कर देना उसमें। लेकिन ध्यान रखेंगे कार्बन की संख्या 4 से कम होना चाहिए, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 या 4 से ज्यादा अगर होगा तो फिर कॉमन और यूपीक नेम लिखने का सिस्टम में थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे, पहले 3 कार्बन तक देख लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो एन बराबर हम लेंगे 3 पहले, सॉरी एन बराबर लिए 2। जैसा कि जानते हैं इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n, CnH2n। अब n बराबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना है, इसलिए एक कार्बन तो ले नहीं सकते हम लोग, एक कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो n बराबर 2 लेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो C2H4, इसका फॉर्मूला हो गया C2H4, C2 × n, n का मान 2 है तो 2 × 2 = 4, C2H4। अब इसका कॉमन नेम और इसका यूपीक नेम, कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का जो रूट वर्ड है वो क्या है? इथ, इथ में आपको क्या जोड़ना है?
वाई एल ई एन ई थाइलिन कॉमन नेम, आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे भाई इसका, आई एन, इसका दो कार्बन है तो दो कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है इथ। यूपीएक नेम में क्या नियम है, इसका प्राइमरी सफिक्स क्या जोड़ना है आपको, ई एन ई, तो इथ में जोड़ दीजिए ई एन ई, इसका नाम गया इथीन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जरा, दो कार्बन है, दो कार्बन, दोनों के बीच में क्या देना है डबल बॉन्ड, इसमें दो हाइड्रोजन जोड़ना है, इसमें भी दो हाइड्रोजन जोड़ना है। अब इसका बीएल भी बना सकते हैं बॉन्ड लाइन, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं बॉन्ड लाइन, दो कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब इसको चाहे इस स्ट्रक्चर को तो आप कंडेंस फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से N=3 लेके बना सकते हैं हम लोग, N=3 ले लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C3H6, ये फॉर्मूला है CnH2n C3H6। अब इसका लिखना आपको कॉमन नेम, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का जो रूट वर्ड होता है प्रोप, क्योंकि रूट वर्ड देखना आपको है, तीन कार्बन का प्रोप होता है, इसमें क्या जोड़ना आपको है YLENE, कॉमन नेम के लिए हो गया IUPAC नाम कैसे लिखेंगे आप इसका, IUPAC नाम में क्या करना ENE जोड़ना आपको रूट वर्ड के साथ, तो तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है प्रोप, और प्रोप में लगा दीजिए ENE प्रोपीन। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, तीन कार्बन है तो एक दो तीन, एक जगह डबल बॉन्ड देना आप जहां दे सकते हैं तीन कार्बन में, तीन कार्बन तक डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं चेंज होता है, इसीलिए तीन कार्बन तक डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं चेंज होने के कारण डबल बॉन्ड का पोजीशन भी नहीं लगाया जाता, डायरेक्ट प्रोपीन लिख सकते हैं आप। अब इसमें देखिए इसका बीएल बना सकते हैं बॉन्ड लाइन, सबसे पहले इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसका बीएल बना सकते हैं बॉन्ड लाइन, तीन कार्बन है एक दो तीन, तो तीन कार्बन दिए, एक जगह डबल बॉन्ड दे सकते हैं आप, यहां भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं इधर भी दे सकते हैं, क्योंकि तीन कार्बन तक डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होता है, अब यहां दे या यहां दे डबल बॉन्ड एक नंबर पर ही आएगा। तो इस प्रकार अल्कीन का कॉमन और यूपीएक नंबर लिख सकते हैं तीन कार्बन तक। अब जब कार्बन की संख्या चार या चार से ज्यादा हो जाएगा तब इसका कॉमन और यूपीएक नंबर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन नेम, तो कार्बन की संख्या अगर चार या चार से ज्यादा होगा तो कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा डॉट डॉट और भी बहुत सारा टर्म इसमें है डेल्टा, उसके बाद हाइफन देके तब रूट वर्ड तब फिर वाई एल ई एन ई आपको जोड़ना है उसमें। अब ये कैसे पता चलेगा कि अल्फा का प्रयोग कब करेंगे, बीटा कब करेंगे, गामा कब करेंगे, डेल्टा कब करेंगे, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन आपको देखना है, डबल बॉन्ड जो है उसका पोजीशन, अगर पोजीशन एक नंबर पर है तो अल्फा का प्रयोग करेंगे, अगर पोजीशन दो नंबर पर है तो बीटा का, तीन चार ऐसे डॉट डॉट आगे चलेगा। ये यूपीएक नेम कैसे लिखेंगे इसका, कार्बन की संख्या जब चार या चार से ज्यादा होगा तो यूपीएक नेम में क्या करेंगे, सबसे पहले रूट वर्ड कार्बन की संख्या के आधार पर, फिर एक हाइफन देना है, इसके बाद मिनिमम पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट रहेगा कंपाउंड के अंदर में उसका पोजीशन मिनिमम आपको लिखना है यहाँ, फिर हाइफन देके ईएनई लगाना, या ऐसा कर सकते हैं पहले ही मिनिमम पोजीशन आप लगा दीजिए, मिनिमम पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर हाइफन देके रूट वर्ड और रूट वर्ड में जोड़ दीजिए ईएनई, रूट वर्ड में जोड़ दीजिए ईएनई, देखिए हम लोग N=4 लेते हैं, तो अगर N=4 लेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं CnH2n
अब n बराबर अगर चार लेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा होगा C4H8। n बराबर चार लिए तो फॉर्मूला हो गया C4H8। अब इसका क्या नाम होगा, कॉमन रूपिंग नेम। तो n बराबर जब चार लेते हैं या चार से ज्यादा, तो फिर आप फॉर्मूला के आधार पर उसका नाम नहीं लिख सकते, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ही नाम लिख सकते हैं उसका। जैसे मान लेते हैं हम ये चार कार्बन है, 1 2 3 चार कार्बन लेते हैं। अब है क्या कि C4H8 है तो चार कार्बन आप जो लिए हैं 4 कार्बन, इसमें आपको एक डबल बॉन्ड देना है। तो आपके मन में होगा कि डबल बॉन्ड यहां दें, यहां दें कि यहां दें। तो डबल बॉन्ड जहां देंगे उसी के आधार पर इसका कॉमन और यूपिंग नेम आएगा। जैसे मान लेते हैं हम डबल बॉन्ड यहां देते हैं इस जगह, तो इसमें कितना हाइड्रोजन जोड़ना हो रहा है आपको, है 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और इसमें 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसमें 2, इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अगर एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए इसी जगह में एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं और इसी में डबल बॉन्ड यहां दिए, अगर हम डबल बॉन्ड को उठा के इस जगह देते हैं, इस जगह बीच में, तब इसका क्या नाम होगा, हाइड्रोजन ऐड कर दिए। इसको एक काम कर दे, कंडेंस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, CH2 CH CH2 CH3, इसको भी कंडेंस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, CH3 CH CH CH3। अब इसका लिखना आपको है कॉमन नेम और इसका लिखना आपको यूपीक नेम। इसका भी लिखेंगे कॉमन नेम, इसका भी IUPAC नेम। कैसे लिखेंगे भाई, तो सबसे पहला काम आपको अब क्या करना है, इस कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसका मिनिमम पोजीशन आपको देखना है, कितने नंबर पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें भी जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन क्या है। तो क्या करेंगे, इसके लिए आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आपको काउंट करना है, जैसे 1 2 3 और ये 4, यहां भी 3 4। अब देखिए जब लेफ्ट से राइट हम काउंट कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड हमको कितने कितने के बीच में दिख रहा है, 1 और 2 के बीच में दिख रहा है। अगर राइट टू लेफ्ट अगर करते हैं इधर, तो हमको डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में दिख रहा है। तो 1 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है इधर से, इसका मतलब आपको 1 लेना है, मिनिमम लेना है। इधर से जो 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट है, इसका मतलब आपको 3 लेना है, इधर से 3 इधर से 1। तो इस साइड से डबल बॉन्ड 3 नंबर पर है और इधर से 1st नंबर पर है, तो आपको दोनों तरफ लोवेस्ट कौन दिख रहा है, मिनिमम 1। इसका मतलब है कि इसमें आपको 1 चुनना है, 1 इसको नहीं लेना है, आपको छोड़ देना है इसको। चलिए इसमें आते हैं, इसका पोजीशन 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कितने कितने पर प्रेजेंट है, 2 और 3 के बीच में है, आपको लेना कौन है 2। इधर से भी जो देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में ही प्रेजेंट है, यानी दोनों साइड से 2 और 3 में मिनिमम 2 हुआ, इधर भी 2 और 3 में मिनिमम 2 हुआ, यानी दोनों साइड से डबल बॉन्ड का पोजीशन जो मिनिमम है वो 2 ही है। इसका मतलब कोई भी साइड से अगर इसका पोजीशन लेते हैं तो करेक्ट होता है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, चलिए इसका नाम बताते हैं, इधर कॉमन नेम में और आईपीक नेम, इसका भी कॉमन नेम और आईपीक नेम। चलिए चूंकि इसमें डबल बॉन्ड 1 नंबर पर प्रेजेंट है, तो हम बताए हैं कि 1 नंबर के लिए अल्फा का प्रयोग करेंगे कॉमन नेम में, तो यहां लिख दीजिए अल्फा। इसके बाद रूट वर्ड, तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, और ब्यूट में क्या जोड़ना है, YLENE। इधर आते हैं इसका कॉमन नेम, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो 2 नंबर के लिए क्या यूज करेंगे, बीटा। 4 कार्बन इसमें भी है, तो 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, और लगाना क्या इसमें है, YLENE, अल्फा ब्यूटाइलिन बीटा ब्यूटाइलिन। अब इसका यूपीक नेम लिखना, कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का जो रूट वर्ड है ब्यूट, ब्यूट के बाद बताए थे कि मिनिमम पोजीशन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है, तो ब्यूट 1, उसके बाद क्या लगाना है, ENE, तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 को आगे कर दीजिए और ब्यूट इसमें ENE को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। इसमें डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, इसका कैसे नाम लिखेंगे यूपीक नेम, सबसे पहले रूट वर्ड, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का जो रूट वर्ड इसमें हो गया ब्यूट,
पोजीशन लगाना आपको डबल बॉन्ड का, दो नंबर पर प्रेजेंट है, तो ब्यूटुइन, या इसको लिख सकते हैं अगर आप टू को आगे बढ़ा दीजिए ऐसे करके, तो टू ब्यूटीन, यानी इसका नाम हो गया ब्यूट वन इन, उसका नाम हो गया ब्यूटुइन। मतलब क्या है, ब्यूट मतलब चार कार्बन, एक दो तीन चार कार्बन, वन मतलब एक नंबर पर, क्या इन मतलब डबल बॉन्ड, मतलब चार कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट नंबर पर प्रेजेंट है। इसमें मतलब क्या हुआ, ब्यूटुइन का मतलब चार कार्बन हो गया, ब्यूट का मतलब टू का मतलब दो नंबर पर, इन मतलब डबल बॉन्ड दो नंबर पर प्रेजेंट है। देखिए एक दो पर प्रेजेंट, इधर से भी एक दो पर ही प्रेजेंट है, तो आपको ध्यान रखना इसको है एन बराबर, इस तरह से लेके आगे बना सकते हैं, एन बराबर पांच लेते, तो एन बराबर अगर पांच लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो गया, C5H10। तो C5H10 हो गया इसका। अब इसका देखिए, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक इसका नाम नहीं लिख सकते आप, क्योंकि डबल बॉन्ड कहां प्रेजेंट है ये आपको देखना है। जैसे ये दिया हुआ है, अगर हम डबल बॉन्ड को यहां दे देते हैं तो इसका क्या नाम होगा, इसी तरह से डबल बॉन्ड अगर यहां दे देते हैं इसमें, चलिए किसी के मन में प्रश्न होगा कि डबल बॉन्ड अगर यहां दे दे यहां दे तब क्या होगा, उसको भी ले सकते हैं। देखिए इसे हम डबल बॉन्ड को चेंज कर दिए, यहां भी यहां डबल बॉन्ड दे दिए, या उस साइड से आप फर्स्ट में दे दिए, यहां पर पांच कार्बन है, डबल बॉन्ड को हम चेंज कर दिए सब जगह। अब चलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम देखते हैं हम लोग। इसमें हाइड्रोजन तीन ऐड कर दीजिए, अब इसमें दो, चलिए इसका लिखते हैं कॉमन नेम और आईपीक नेम। सबसे पहले इसका काउंटिंग करते हैं यहां से डबल बॉन्ड का, एक दो तीन चार पांच, इधर से भी एक दो तीन चार पांच। देखिए इधर से डबल बॉन्ड एक नंबर पर प्रेजेंट है, इधर से डबल बॉन्ड चार नंबर पर है, कौन लेना एक की चार, तो मिनिमम एक। इसका भी पोजीशन देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, दो नंबर पर इधर से, इधर से तीन नंबर पर है, कौन लेना आपको दो, मिनिमम दो हो गया। पोजीशन देखिए, पोजीशन के आधार पर ही नाम होना है, तीन चार इधर से पांच, दो तीन चार पांच, तीन नंबर पर इधर से प्रेजेंट है, तीन चार है मिनिमम लेना है, इधर से दो तीन है मिनिमम लेना, दो पोजीशन दो हो गया, क्योंकि तीन नहीं लेना है मिनिमम लेना आपको है। इसमें आइए एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, चार नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से एक नंबर पर है, कौन लेना है एक, मिनिमम एक। अब नाम लिखना बहुत आसान है, देखिए पांच कार्बन है, एक नंबर पर डबल बॉन्ड अल्फा का प्रयोग करेंगे, पांच कार्बन है, पांच कार्बन का रूट वर्ड पेंट, और लगाना है वाई एल ई एन ई। इसमें दो नंबर पर डबल बॉन्ड है तो बीटा का प्रयोग करेंगे, बीटा पांच कार्बन है, पेंट वाई एल ई एन ई। इसमें भी ये दो नंबर पर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका कॉमन नेम में क्या लगेगा, बीटा पांच कार्बन है, पेंट एक दो तीन चार पांच, और पेंट में क्या लगाना है वाई एल ई एन ई। इसमें एक नंबर पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका अगर कॉमन नेम लिखेंगे अल्फा पेंट, इसमें लगाना है वाई एल ई एन ई, सब में रूट वर्ड के साथ वाई एल ई एन ई लगाना है आपको कॉमन नेम में। यूपीएन नेम में क्या करना, सबसे पहला कार्बन की संख्या देखना पांच, तो पांच कार्बन की संख्या पेंट, एक नंबर पर डबल बॉन्ड है पेंट वन इन, या वन को आगे करके पेंटीन लिख सकते हैं। इसमें क्या हो गया भाई, इसका पेंट, दो नंबर पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पेंट टू इन। इसी तरह से अगर इसका आईपीक नेम देखेंगे तो क्या हो गया, दो नंबर पर डबल बॉन्ड है तो पेंट टू इन, और इसका जो आईपीक नेम हो गया पेंट वन इन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सिमिलर है, और ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सिमिलर है, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड दो नंबर पर है, इसमें भी डबल बॉन्ड दो नंबर पर है, इसमें भी एक नंबर पर है, उसमें भी एक नंबर पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस तरह से n बराबर 6 ले सकते हैं, n बराबर 7 ले सकते हैं, n बराबर 8, आगे इसको
बना सकते हैं इस तरह से डबल बॉन्ड को चेंज करते हुए, हर एक का कॉमन एडजोइन नेम आप लिख सकते हैं।